गांव में सालों से इरोजन काफ़ी हो चुका है। हमें लगा कि एटलीस्ट फ्लड टाइम पे लो लाइंग एरियाज में हम सहर कर रहे हैं, ताकि नेक्स्ट एक्शन प्लान जो बनेगा नेक्स्ट साल हम पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ बना सकते हैं। आप देखेंगे, ये आई थिंक बोल रहे हैं कि लास्ट 50 साल से इरोजन हो रहा है, बट फॉर वॉट एवर रीजन स्कीम नहीं लिया गया, तो एटलीस्ट कुछ देखा है, तो हम डेफिनेटली इरोजन प्रोटेक्शन स्कीम तो सरकार को प्रपोज करेंगे। एंड आई थिंक वंस गाँव का इरोजन प्रोटेक्शन हो जाए, बाकी डेवलपमेंट इतना दूर नहीं है, रास्ता बिजली पानी सब आ जाएगा, पहले गांव को बचाना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि फ्लड प्रोटेक्शन, तो सूखा सीजन में होपफुली काम शुरू हो जाए, यही सरकार से हम रिक्वेस्ट करेंगे। मेरा बुनों का उनको भी हम साथ भी 8 लोग हैं, सब कागज हम कलेक्ट कर रहे हैं, कल या परसों अगर सब कागज मिल जाए तो हम सैंक्शन भी करेंगे। ड्राउनिंग डेथ का जो है 4 लाख मिलेगा पर हेड, वो कागज रेडी हो रहे हैं, हम हर रोज उसका रिव्यू करते हैं, जल्दी उनको कॉम्पेंसेशन करने के लिए हमारे पटवारी भी आएंगे, पूरा गांव का सर्वे लेंगे। ये फ्लड में जो डैमेज हुआ वो तो कॉम्पेंसेशन देंगे, बट उससे होगा नहीं जब तक गांव ना बचे, तो गांव बचाने के लिए हमारा फर्स्ट। यही होता है कि रिव्यू मीटिंग्स में ये सब इशू आता नहीं है, कहीं ना कहीं छूट जाता है, तो इसीलिए हम सोचे कि हर ब्लॉक में सबसे पीड़ित जगह में जाएंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए या उस नेक्स्ट ईयर के लिए ये रिपीट ना हो, यही हमारा टारगेट है। आप देखिए, मैं सोनाई ब्लॉक गई थी, उदारबंद ब्लॉक गई थी, सालचपरा बोरखोला भी, कि सबसे लो लाइंग एरियाज कौन से हैं, बिकॉज कोई रिव्यू मीटिंग में आता नहीं है ये गांव में अर्जेंट काम के लिए। Thank you.